एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ एक और एक प्रोडक्ट रिव्यू करूंगी। इट्स अगेन अ समर एसेंशियल। तो फिर लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, मैं आज आपको दिखाती हूँ डिओड्रेंट। ये अगर आपने मेरा पर्पल अनबॉक्सिंग नहीं देखा है तो आप उसको जाके देखो। थर्ड अनबॉक्सिंग जो मेरी है, जिसमें मैंने गुड वाइब्स के काफी सारे प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, उसमें मैंने ये वाला डिओड्रेंट मंगवाया था। इट्स सीक्रेट टेम्पटेशन का विंक। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ये सीक्रेट टेम्पटेशन का विंक डिओड्रेंट, ये मैंने purple.com से मंगवाया है। एंड यार मत से, मैंने इसको 3-4 दिन हो ही गए हैं मुझे मंगवाए हुए। क्या फ्रेगनेंस है, बहुत सही वाली फ्रेगनेंस है। एंड इसके ऊपर इन्होंने लिखा क्या हुआ है कि विंक बाय सीक्रेट टेम्पटेशन, गेट अडिक्टेड टू द चार्म ऑफ अ विंक, अ फाइन फ्रेगनेंस विद साइफर एंड फ्लोरल नोट्स डिजाइंड इन फ्रांस। Right, this long-lasting fragrance is gentle on skin and makes you feel active and stay fresh all day long. इन्होंने बोला आपकी स्किन में जेंटल रहेगा या जेंटल रहता है, ऐसा नहीं होता कि आपकी स्किन में कोई इरिटेशन हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले हम डिओड्रेंट में वो देखते हैं, राइट। और फ्रेश रहता है ऑल डे। आप एक बार लगा लो यार सुबह, आपको यू नो रात तक आपको फील होएगा, शाम तक कि आपको कितनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है खुद से। आई लव द डिओड्रेंट। इसमें फ्रेगनेंस आती है फ्लोरल टाइप, आई डोंट नो, ब्लेंड ऑफ लॉट ऑफ द थिंग्स आती है यार फ्रेगनेंस। सिर्फ फ्लोरल फ्रेगनेंस नहीं है, मैं फ्रेगनेंस इतनी अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। सॉरी, मैं थोड़ी सी यू नो बैड हूँ फ्रेगनेंसेज एक्सप्लेन करने में, बट आई कैन वेरी श्योर यू कि आप अगर इसको यूज करोगे, आप जरूर मेरे को थैंक यू बोलोगे कि इतना सही डियो है। वैसे भी यार समर्स में यू नो यू कीप ऑन चेंजिंग योर डिओड्रेंट्स। लाइक अगर आपके पास 5-10 डिओड्रेंट्स अगर आपने एक बार खरीद लिए हैं, 8-9 डिओड्रेंट्स, तो आप यू नो कीप ऑन चेंजिंग। लाइक आज ये लगा लिया, कल वो लगा लिया। आई डू दिस थिंग, लाइक मुझे आपका नहीं पता, बट आई डू दिस थिंग कि मैंने, आपने मेरे इतने सारे डिओड्रेंट्स के यू नो रिव्यूज देख लेंगे तो आपको पता लगेगा मेरे पास कितने डिओड्रेंट्स हैं। मैं बहुत जल्दी अपने सारे डिओड्रेंट्स की कलेक्शन आपको दिखाऊंगी। लाइक 10 है, ज़्यादा तो नहीं है, बट मैं उनको चेंज कर देती हूँ। आज अगर ये लगा लिया तो फिर अगले दिन ये लगा लिया, तो यू नो आई जस्ट फील फ्रेश। जब भी इसकी बारी आती है दोबारा, तो आई फील है कि फिर से कुछ न्यू लगा रहे हैं। आई लव द फ्रेगनेंस। अगर आप इसको कुछ नया सोच रहे हो खरीदने का, तो आप इसको जरूर खरीदना, राइट। सीक्रेट टेम्पटेशन विंक, राइट। अब अगर मैं इसकी बात करूँ प्राइसिंग की, इसकी प्राइसिंग है 185 रुपीज की, राइट। लेकिन मुझे पर्पल पे 155 रुपीज में मिल गया था। यार 155 में आपको डिओड्रेंट मिल रहा है 150 रुपये में, और आपको क्या चाहिए। पहली चीज, 150 ml आपको मिल रहा है, 155 रुपीज में आपको 150 ml की बॉटल मिल रही है। गुड है, अच्छी है, एंड स्टेडी सी बॉटल। आप देख सकते हो तो कितना सी ग्रीन कलर की बॉटल है, ब्लैक कलर के इसके ऊपर यू नो समथिंग काइट की शेप में बनाया हुआ है, एंड एक छोटी सी कैटी बिठाई हुई है इन्होंने, जो अपनी एक आंख ऐसे बंद करके बैठी हुई है विंक करके। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ, आपको मैंने प्राइसिंग बता दी, इसकी मैंने आपको क्वांटिटी बता दी। अगर मैं आपको इसकी एक्सपायरी बताऊँ, तो ये मैन्युफैक्चर हुआ है November 2017, एक्सपायर कर जाएगा October 2020। यू गेट वेरी गुड 3 ईयर्स, राइट। अगर आपको 3 साल मिले यार, आराम से चल जाती है डिओड्रेंट्स, राइट। बहुत अच्छी है, लोहे की बॉटल नहीं होती जैसी, वैसी है। इसकी कैप प्लास्टिक की है, अच्छी है, फ्लिम्सी नहीं है। सी स्प्रे है यार, बहुत सही वाली डिओड्रेंट है। ये माइल्ड नहीं है, जैसे स्ट्रांग भी नहीं है, लेकिन ये माइल्ड भी नहीं है। लाइक बहुत हॉट समर डेज नहीं होते जब बहुत ज्यादा यू नो गर्मी होती, यू कैन नॉट यूज। अब जैसे मुझे याद नहीं आ रहा, नीविया के डिओड्रेंट्स होते हैं या डव के डिओड्रेंट्स होते हैं, वो कितने माइल्ड फ्रेगनेंस नहीं होते। लाइक अगर बहुत गर्मी होती है ना, वो तो आई डोंट नो थोड़े से बहुत माइल्ड से लगते हैं। मुझे लगता है कि जब बहुत हॉट समर डेज आने वाले, अब देखो यार आगे गर्मियां कितनी आने वाली है, तो आई जस्ट वॉन्ट कि थोड़ी सी ना स्ट्रांग फ्रेगनेंस हो, लेकिन मैनली टाइप स्ट्रांग ना हो। मेंस की तो बहुत स्ट्रांग फ्रेगनेंस आती है, बट इट्स अ गुड फ्रेगनेंस वो वाले दिनों के लिए जब आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, जब आपने सुबह कॉलेज जाना होता है, आपने तो दोपहर के बाद आपने घर आना होता है, तो यू नीड टू अप्लाई दिस, यू नो इस तरह के आपके पास डिओड्रेंट्स होने चाहिए। तो दिस वॉज द रिव्यू, एंड आई होप यू लाइक माई रिव्यू, एंड डू परचेज दिस अगर आप कुछ नया खरीदने का सोच रहे हो डिओड्रेंट में, एंड डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड टिल देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड द फैमिली एंड लाइक माई वीडियोज। टिल देन बाय।